नहीं वो नहीं करता है, नहीं करता है। कुछ गलत बोल रहा था मुंह पे बोलना भाई, हो गया बंदी का नाम दर्द। लाते हैं ना दूध, तेको नहीं पिलाते क्या हम लोग खाना ना खिलाते हैं ना। सो हेलो गाइस, वेलकम बैक आप सभी लोग एक न्यू वीडियो में। आई एग्री थोड़ा लेट आया हूँ व्लॉग देने आप लोग को, और थोड़ी एनर्जी में भी दिख रही होगी क्योंकि अभी टाइम ऐसा वैसा टाइम नहीं हो रहा है। तुमने मेरे को कभी 6 बजे उठते हुए देखा है? देखा है? नहीं देखा ना? मैं देखो टाइम देखो, दिख रहा है? आई होप दिख गया होगा क्योंकि एक हाथ से गाड़ी चला रहा हूँ। तो भाई सुबह के 6 बज रहे हैं और मैं अभी उठा हूँ और अभी मैं जा रहा हूँ हॉस्पिटल। टेंशन मत लो, हॉस्पिटल से जा रहा हूँ क्योंकि मेरे पापा एडमिट है वहाँ पे, और पापा का थोड़ा सर्जरी हुआ है वहाँ नी का। तो भाई सोया था रात भर, सब भाई को थोड़ा काम है 8:30 बजे, तो भाई ने मेरे को 5:30 बजे कॉल कर दिया कि आ जा, तो मेरे को जाना पड़ रहा है अभी। और पापा के लिए थोड़ा चाय वाय थोड़ा नाश्ता वास्ता लेके जा रहा हूँ, कुछ नहीं करना है वहाँ जाके, वहाँ जाके सो जाऊँ अभी सुबह में, और फिर आपको मिलूंगा मैं दिन को, पक्का मिलूंगा आज, पूरा दिन दिखाऊंगा आज आपको मैं कोई भी हालत में, क्योंकि बहुत दिन तो दिखा नहीं हुआ है वो। नो आप लोग थोड़ा गुस्सा होंगे बट ठीक है, कोई मिलता हूँ ठीक है। आंखें बड़ी जल रही है यार, सुबह सुबह उठना बड़ा बेकार है, बहुत बेकार है। मेरे को याद नहीं मैंने लास्ट सुबह कब देखी थी, शायद मैं दिल्ली था, मैं पार्टी करके घर जा रहा था तब मैंने देखी थी शायद इतनी लास्ट सुबह। अच्छा लगता है यार, फेस पे बड़ा ग्लो आ जाता है सन की वजह से, उसके बाद ज़्यादा धूप नहीं है, हल्की हल्की हवाएं चल रही है, अरे वो तो इसी की है, बट फिर भी अच्छा लगता है एग्री। Few moments later. अरे खाक अच्छा लगता है, बहन इतनी आंखें जल रही है, तो मेरे पापा के लिए जा रहा हूँ नहीं तो मैं तो उठू ही ना, किसी और के लिए कॉल भी ना उठाऊ मैं तो। ओहो भाई ये अच्छा है, तो जा रहे ऊपर अभी सेकंड फ्लोर पे, अब तो शायद सोए होंगे, उठाना पड़ेगा तो उठ गए होंगे, तो चाय पिला देंगे बट हम सो जाएंगे ठीक है। चलो भाई भैया सुबह से शाम हो गई, टाइम देखो शाम के 4:21 बज रहे हैं और मैं अभी घर जा रहा हूँ। मैंने क्या झूठ बोलूँ तुम लोगों से, ना मैंने ब्रश किया ना मैंने कुछ, क्योंकि भाई हॉस्पिटल की वाइब इतनी गंदी रहती है ना, इतनी गंदी, मैं तो सुबह से सो भी नहीं पाया। 10 बार नर्स आ रही थी रूम के अंदर, गेट नॉक कर रही, फिर 10 बार क्या भाई 20 बार कंटिन्यू आना जाना था, तो सोना तो हुआ ही नहीं मेरे को 6 बजे से। लेकिन अभी तो नहीं सोऊंगा क्योंकि अगर अभी सोया तो पूरा दिन खराब हो जाएगा। अभी 4:30 बजे अभी जाते हैं घर, होते हैं फ्रेश व्रेश, कुछ खाते हैं अच्छा सा, और फिर करते हैं कुछ यार। अभी मेरा बहुत दिमाग खराब है बाकी, क्योंकि यार भगवान करे किसी को हॉस्पिटल के चक्कर ना पड़वाए। बस एक आधी बार जब किसी घर पे खुशी खुशी आती है, बच्चा अच्छा आता है तब ठीक है, बाकी तो ऐसे भाई हॉस्पिटल इज लाइक बेकार चीज, वेरी बेकार, मजा नहीं आता मेरे को। बट क्या करें, आज आखिरी दिन है, आज भी शायद जाना पड़ सकता है, कल डिस्चार्ज हो जाएगा सुबह पापा, अभी पापा ठीक है, बस यही बताना था। अब चलते हैं घर और मिलता हूँ मैं आपसे जल्दी। ये बंदा बहुत सही है, एक अंकल ने उससे हेल्प मांगी और दूसरे अंकल ने मना किया, 2-3 अंकलों ने मना किया, बट ये भाई यंग बंदा है, बड़े बड़े अंकल ने देखो बाजू वाला जा रहा ना उसने उसको मना किया, बट ये भाई हमारा यूथ है, आजकल के यंग बच्चे हमारे जैसे बिठा देते भाई। आजकल हम जैसे एज वालों में भाई ज्यादा इंसानियत है बड़ों से ज्यादा, मेरे को ऐसा लगता है। अगर आप लोग भी मानते हो तो एग्री करते हो तो भाई बताओ कमेंट्स में। 3-4 लोग से उस काका ने पूछा बट उसने किसी ने भी हाँ नहीं बोला, सबने नहीं, उसने सिद्धता बोला सामने तक छोड़ दो, अब वो कार वाले तक तो आएगा नहीं, वो बाइक वालों से ही पूछते हैं, तो उस बंदे ने बोला हाँ भैया बैठ जाओ, गुड गाय, इफ यू आर सीइंग माय व्लॉग यू इम्प्रेस मी ब्रदर, गॉड ब्लेस यू। आज काफ़ी टाइम बाद जा रहा हूँ मैं अपनी बाइक चलाने, और आप जैसे कि आप देख रहे हो मैं रील नहीं डाल रहा हूँ, एक हफ्ते से व्लॉग नहीं डाल रहा हूँ, तो उसके पीछे काफ़ी सारी चीज़ें थी, उसमें से एक चीज़ तो ये पापा की ऑपरेशन था और भी है, तो धीरे धीरे बताऊँगा ठीक है। अप्स एंड डाउन तो आते रहते हैं लाइफ में, कोई दिक्कत नहीं है,
अप्स एंड डाउन से जो डर गया वो लाइफ में आगे कुछ नहीं कर सकता, कर लेंगे भाई इसको भी। तो चलते हैं फटाफट ग्रूमिंग कराते हैं, ग्रूमिंग का भी टाइम नहीं मिला तो ग्रूमिंग करा के जिम जाएंगे आज। देखा है मैंने लोगों को हंसते हुए मेरे मुंह पे, हंसी बदल गई स्माइल में जब जेब में बजे थोड़े रुपए। चलना चाहते आज साथ मेरे जिन्हें पहले लगता था रास्ता खराब, अभी तो इन सबको ये भी नहीं मालूम कि आने वाला गाना मेरा बादशाह के साथ। चली ना तेरी, चली ना तेरी, चली ना, चली ना तेरी, मेहनत मैंने रुकने ना दी चाहे किस्मत चली ना मेरी। अपनी खाली थाली खाली खाते खाने को थानी तो मालूम था खा लूंगा सीन, जिस जगह पे इनकी गलती है बस उसी जगह पे मैं डालूंगा घी। आग लगा देगा भाई तेरा, पूरी दुनिया जला देगा भाई तेरा, यह खुद नहीं आए तुम लाए गए हो, बेटा मेरे आगे तेरे जैसे आए गए हो। चल बाय बाय, जो किसी की नहीं मानते, जो किसी पे ना ध्यान दे होगा सफल। वर्कआउट हो गया डन, अभी चलते हैं घर और थोड़ी मील वील लेके, क्योंकि थोड़े दिन से तो भाई डाइट अच्छी चल नहीं रही थी, आज कर लेते हैं डाइट। सो भाई मैं अभी जस्ट अभी जिम से घर आया था और मैंने ना एक चीज़ ऑर्डर की थी कुछ टाइम पहले, ये भाई से मैं कोई प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, बट मैंने ना एक चीज़ मंगवाई थी, मैं चाहता हूँ कि आप भी मंगवा सकते हो, बहुत कम रेट में बहुत अच्छी चीज़ है, ठीक है। ये चीज़ देखो, जस्ट हर्ब्स, ठीक है, दिख रहा है, जस्ट हर्ब्स की परफ्यूम है। इसका सीन कुछ ऐसा है, ये देखो, इसमें आपको मिल जाएंगी 4-5-8 प्रकार की आपको मिल जाएंगी अलग अलग सेंट्स, जिसके अलग अलग फ्रेगरेंस है। बहुत बढ़िया चीज़ है भाई, मेरे को एक्चुअली मैं मंगाने नहीं वाला था, मेरे को ना मैंने गूगल पे कोई बड़ी पेमेंट की थी, मेरे को कैशबैक आया था वहाँ से 450-500 रुपये, तो वहाँ पे ये कुछ था 500 या 450 समथिंग, लेकिन मेरे को काट पीट के कुछ 200 रुपये पड़े देने, तो मैंने दे के ये मंगा लिया। तो मेरे को चीज़ अच्छी लगी, उसकी फ्रेगरेंस बहुत अच्छी है, तो आप लोग ट्राई कर सकते हो, ठीक है, सदा बता दूँ आपको, आपको काम आ जाएगी। क्या पर ब्लॉग में अकेला दिखाऊँ ना, क्योंकि अकेला था इसलिए अकेला दिखाऊँ, कोई था ही नहीं मेरे साथ आज, बिजी था तो किससे मिला भी नहीं। धूप, आंखों में थी नींद, उठते से ही नाश्ता कर लिया, दिल में था प्यार फिर भी उससे धोखा खा लिया। सो हाय गाइस, वेलकम बैक है आप सब लोग आज न्यू डे के अंदर। तो भाई आज मैं जा रहा हूँ अभी पापा को लेने, ठीक है, सुबह के 12 बज रहे हैं, मैं अभी छूटा था 11:30 तक के, और मेरे को भाई का कॉल आया कि भाई आजा, डिस्चार्ज मिल रहा है अभी के अभी, तो जा रहा हूँ लेने, भाई को कार दे दूंगा, भाई कार में पापा को अच्छे से बिठा के लेके आएगा, वो थोड़ा जिम्मेदार बंदा है ना इसलिए, और मैं वो टू व्हीलर पर आ जाऊँगा, ठीक है। तो साथ में ये ले लिया है, धूप इतनी है कि भाई स्कार्फ बांधना ही पड़ेगा, तो स्कार्फ ले लिया, वापसी में आते आते स्कार्फ बांध के आऊँगा। और दूसरी बात, सेकंड डे आज इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि कल मेरे पास कुछ दिखाने के लिए नहीं था, मैं रात को गया था बाहर, बट थोड़ा सा बीटी चल रही थी तो मैंने रिकॉर्ड ही नहीं किया, ऐसे कोई ज़्यादा बीटी नहीं थी, बट मैंने कुछ दिखाने लायक था नहीं समझो। बाकी आज और एक शख्स वापस आ रहा है, समझ जाओ, जो आता जाता रहता है हवा के झोंके के समान, धोखा नहीं बट है, वो दुनिया में आया ही धोखे से है, तो वापस आ रहा है, उससे भी मिलाऊंगा आज, और आज का पूरा दिन दिखा के ये ब्लॉग को एंड करते हैं, ठीक है भाई। अभी एक लाइन सुनो, जिंदगी है किस काम की मेरी, आई मैं मर जावा जिंदगी नाल कर जावा सोने या। कितनी प्यारी लाइन है यार गाइस, कितनी ज्यादा प्यारी लाइन है, अरिजीत सिंह भाई डाउन टू अर्थ बंदा, डाउन टू अर्थ क्या गाने गाता है, सेक्सी। बादशाह भाई का रैप उसमें है, बट बादशाह भाई का रैप पे मैंने इतना ध्यान नहीं दिया क्योंकि मेरे को ऐसे सॉन्ग्स के बीच में रैप है पसंद नहीं है, रैप के लिए एक अलग रैप गाना गाऊं, बट एक प्यारे से गाने के अंदर रैप नहीं डालना चाहिए मेरे हिसाब से, बट गाना अच्छा है, जेन्युइन अरिजीत भाई का जो आवाज़ है, ये गाना सुनता रहता हूँ मैं लूप पे, मेरे को बहुत अच्छा लगता है गाना, और ये लाइन तो सबसे बढ़िया। अरे नेपाल से कब आए मेरे भाई, हाउ आर यू ब्रदर, अरे पेट दिख रहा है, पीछे जाओ गाइस, बताओ इसके चेहरे में क्या मेस दिख रहा है, अरे बाल क्यों बना रहा है, एका बाल बाली तो मेस हो गए मेरे भाई के, अबे नशा मोती केंद्र लग रहा था, कौन उधर नेपाल में रहता, नेपाल में वाला वो जो बिजनेस सेट करने का हो गया नहीं कि टाइम है थोड़ा उसके लिए, सेट हो गया मोमोज का स्टॉल रहने हो गया, पूरा काम वहां पूरा काम जीत चुकी है, अच्छी बात है ना, यस
हैदराबाद जीत चुकी गाइस, सारे हैदराबादी ऑडियंस को कांग्रेस है, कांग्रेस कर रहे। खुश है ना तू? बिरयानी गाना बोलना, हैदराबाद की ऑडियंस से खुश है ना? हां यस, पवेल ओपी, भुवनेश्वर कुमार ओपी, भूवी भाई ओपी, यस ये हमारा भूवी भाई। भाई सुनो, अभी नवंबर में मेरे दोस्त की शादी है, ठीक है, शादी के लोग सुनाए तगड़े भाई। नहीं तू शादी में नहीं आएगा? बुलाए गए नहीं वो? अरे मैं आऊंगा। बता कब चलना है अभी अपने को? कब तक आ रहा है? लवड़े एक मेरे को बात छूट मारी कि जब भी बाहर से आता तो शर्माता नहीं बुला। बैचलर पार्टी करनी है अक्टूबर में ना। कहाँ पे? कसोल करते हैं। दिल्ली टू कसोल, ठीक है। दिल्ली में कहाँ जाना अपने को? अबे लवड़े इधर देख के बात करना, छूट के क्या वहाँ क्या देख रहा? अच्छा देख रहा लाइट है। दिल्ली में कहाँ घूमना है? कहाँ घूमना है बोलना। दिल्ली में गाइस हम लोग का सबसे बहुत तगड़ा स्टार्टअप चल रहा है, बता दे। यस, किसका? पागल है क्या? मैं पूरा पागल हूं। मैंने थोड़ी किया। तू पागल है क्या? पूरा पागल हूं। पीयूष तेरे लिए कुछ गलत बोल रहा था। मुंह पे बोलना भाई पीयूष। आके डाउन लग रही भाई तेरी। हम दोनों में स्मार्ट कौन है कमेंट्स वाला तो बड़ा बट तभी पे आओ बोले मेरे को भाई का ब्रेकअप हो गया बंदी का नाम था रो। थैंक यू भाई। गाइस ये थंबनेल है। इतने भाई पान खिला रहा है। तो बजवाइट पर से करो भाई। सुन चिन्नू भाई की समझ रखो। चल आजा दूध का पैकेट लेके। हाँ। भाई सोशल वर्क चालू करते तुम्हारे भाई ने। ये भाई से कटोरा मंगाया है, उसके घर पे कटोरे हुआ था। बच्चों को बोला छोटे छोटे बच्चे छोटे को देखो कितने क्यूट है। क्यूट मेरे को यकीन ही नहीं हो रहा। चिन्नू बोली है कितना अच्छा बंदा है मेरा भाई, कितनी सेल्फ वो करता है। तू क्या बोलता है? गुड वर्क कर रहा है, गुड वर्क कर रहा है भाई छोटे बच्चे को। लेकिन तो लेके मैं भाई कितना अच्छा यार भाई वीडियो क्यों निकाल रहे? अच्छे काम कर दो यार, पागल है क्या? बंद कर, बग गए क्या गोल्डी भाई? इनको देना, इनको ये खुद ही आएंगे। अरे दे। अरे यार मेरे को जबरदस्ती अच्छा। चल ठीक है ये लो। अच्छा क्यों निकालता है भाई? पिलाते हैं ना दूध, तेको नहीं पिलाते क्या? हम लोग खाना ना खिलाते हैं ना। चलो गाइस गुड नाइट। चलो चलो गाइस। गाइस ये मेरा दोस्त है चिन्नू वाइट वाला। चिन्नू गोली है क्या? कितना फेमस हो रहा है खाना ना गुड काउट का खा के भाई। अरे तू तो नहीं है चिन्नू? चिन्नू छोला भटूरा है क्या? चिन्नू स्माइल। चिन्नू छोला भटूरा। चिन्नू स्माइल। ले डाल 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 पानी मिक्स कर। और दूध नहीं पिलाते। डाल देना पानी। डाल दे 60 ml पानी डाल दे। बस 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 चलो।